मुझे पता है आज सबको पकौड़े खाने का मन कर रहा है, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है, इसीलिए ना मैंने इतना सारा बेसन घोल दिया है। और देखो फिर आलू के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, पनीर के पकौड़े सब बना लूंगी मैं सबके लिए गर्मा गर्म। क्या देख रही है? अरे उसने फेस पैक लगा रखा है। हाँ तो आपको क्या लगता है कि मुझे फेस पैक के बारे में कुछ पता नहीं है ना बहन जी? मैं तो ये देख रही है इसने ये काला काला सा क्या लगाया। मुल्तानी मिट्टी का सुना और बहुत से सुने, पर इसने तो काला रोगन लगा रखा है। रंग निखारना है या बिगाड़ना है? मैं बताती हूँ किसने क्या लगाया। ये ना बाहर से मिट्टी कीचड़ ले आती है और उसका फेस पैक बना लेती है। हाय हाय, चिकड़ चिकड़ क्यों? हाय चंगी पल्ली तो गोरी चिट्टी है और चिकड़ लगा के बैठ गई है। अच्छा ठीक है, अब तू ये बातें सब मत करती रहे। एक काम कर, मैंने पकौड़े बनाने ना, जरा मेरा हाथ गंदा है, वो गोभी पकड़ा दे, मैंने काट के रखी है। हाँ मैं तुम सबके लिए अभी गर्मा गर्म पकौड़े बना के लाती हूँ। अरे जरा सृष्टि, जरा देख तो कौन आया है। जाना सृष्टि जाना। अरे यार कोई दरवाजा खोल दो, घंटी बज रही है यार, सब अपने अपने काम में बिजी है। चल सृष्टि तू ही बन जा गेटकीपर। जरा सा काम करना पड़ता है तो कीचड़ करती है। कि आपने मुझे मारा? अभी क्या, अभी सॉरी बोलो, वरना ये जो कीचड़ भरा फेस है ना, ये तकिए को लगा दूंगी। लगाओ। ये लड़की तो बहुत ही रौनकी है। चंगा है, घर में रौनक लगाई रखेगी। थैंक यू शानकियन जी, एक आप ही हो जो मुझे समझते हो। वैसे भी मैंने कुछ सुना नहीं, आपने क्या कहा? अच्छा ओके सॉरी, अब जाके दरवाजा खोल, बड़ा एक और दूंगी। सॉरी कबूल है दी। और कितनी देर से कोई घंटी बजा रहा है, बजा ले कोई दरवाजा खोले। खोल रही हूँ, ओह गॉड, बहुत ही खुश हो जाएंगे है ना। क्या हो गया? अब ये सृष्टि है, डरिए मत। सृष्टि तू? मैं तो तुम्हें देख के घबरा गई, इसलिए चीखी। तू क्यों चीखी? क्योंकि आंटी आप चिल्लाए तो मैं डर गई। लेकिन करण पुत्र तू क्यों चीखा? वो भी डर गया होगा। मैं कोई डरा हुआ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ करण सर नहीं डरते अब। अच्छा राखी जी, ये सृष्टि की बातें तो ना खत्म ही नहीं होंगी कभी। आप आइए ना, अंदर आइए। आइए आइए, आ जाओ बेटा। नमस्ते बेटा। हाँ ये बैठे बैठे, अब मैं जरा पकौड़े बना रही थी सबके लिए, तो आप लोगों के लिए पकौड़े और चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, घर जैसी बात है, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। नहीं नहीं कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वैसे भी परिवार के लिए बना रही हूँ और आप परिवार ही तो है। गरम गरम पकौड़े और चाय, बस मैं दो मिनट में आई। ठीक है जी, तू बैठ बैठ बैठ। और सब ठीक है बेटा? जानकी जी अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी माँ है। आपका पुत्र बहुत सोना है। थैंक यू जी तारीफ के लिए। गाइस गाइस गाइस, क्या आप लोगों ने मुझे पहचाना? नहीं मतलब ध्यान से देखकर बताइए, क्या आप लोगों ने मुझे पहचाना? हाँ जी पहचान लिया, इसमें ध्यान से देखने वाली कौन सी बात है? क्यों भाई? नहीं वो दी फेस पैक पे लिखा हुआ था कि आप इतनी खूबसूरत हो जाओगी कि कोई आपको पहचान ही नहीं पाएगा। एक मिनट इधर आ मेरे पास। दादू मैं तुझे बताती, तू ना दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, अब कुछ और ये इतनी खूबसूरत है, इसी खुशी में मैं गर्मा गर्म पकौड़े और चाय ले आई हूँ। लीजिए राखी जी, बेटा पकड़ा जरा आंटी को। आप अभी बैठ जाइए, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। आप ये गर्मा गर्म पकौड़े तो लीजिए, बेटा टिश्यू भी साथ में ही रखा है। माता रानी आप तो सब जानते हो ना, आपने ही तो मेरी बच्चियों से मुझे मिलवाया, फिर मेरी प्रीता की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भरती। मेरी बच्ची इतनी खुश थी कि फिर क्या हो, आपने क्यों हमसे हमारी खुशियां छीन ली? किसी की नजर लग गई क्या? सब मेरी वजह से हुआ। अगर आपको सजा देनी है ना तो आप मेरी बच्ची को मत दो, मुझे दे दो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे ही नहीं आना चाहिए था बातों में, और कुछ भी करके सब कुछ पहले की तरह ठीक कर दीजिए। चलो आओ। अरे कहाँ? चलो आओ तो सही। सही बताती हूँ। अरे लेकिन बात क्या हुई है? आराम से। हाँ ये रही आपकी चाय
पीकर बताइए कैसी बनी है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपको पता है मम्मा, आपके सारे बच्चे ना बहुत लकी हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आप हमारी मम्मा हैं, और मेरी मम्मा ना दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा है। कहो तो लिख कर दे दूं? नहीं, मैं अच्छी मम्मा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हूँ, क्योंकि अच्छी माँ होती ना तो वो नहीं करती जो मैंने किया। मेरी वजह से प्रीता को इतना दुख, और तू बोल रही है कि अच्छी मम्मा है। मैं तो अच्छा, एक मिनट, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहती कि आप दुनिया की सबसे बुरी मम्मा हो, तब भी आप ऐसी होती ना सैड सैड? मुझे पता है ये ऐसा क्यों कह रही। इसलिए इसके कहने का मतलब है कि अगर करण ने जो कहा था वो सच निकलता तो तब तो पृथ्वी को मम्मा ने जो भी कुछ कहा, जितना सुनाया उन्हें, जितना गुस्सा निकाला उस पर, वो सब सही होता, जायज होता, क्योंकि पृथ्वी तब गलत होता मम्मा, तो उसे डांटना, उस पर नाराज होना जायज था। मैं तो कहती हूँ कि उसे मारना और पीटना भी मुनासिब होता। हाँ मम्मा, आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं मम्मा, आप इतना हाइपर मत हुआ कीजिए। मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ, क्योंकि तू मेरी गलतियों में भी मेरी अच्छाई ढूंढ रही। मम्मा आप रोइए मत, ये आंसू मत निकालिए, मेरी मम्मा तो शेरनी है। दादू आपको पता है मेरी मम्मा जब दहाड़ती है ना तो अच्छा चुका पसीना छूट जाता है। और आपके साथ तो सच्चाई की शक्ति है मम्मा, जो हमेशा हमारा कवच बन जाती है। आपको पता है मैं और दीना बहुत सेफ फील करते हैं आपके साथ रहकर। ये मुंबई जैसा शहर अब डरावना नहीं लगता, लगता है कि अब कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, जब तक आप हमारे साथ हो ना तब तक हमारा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अच्छा, अब तो चाहती है कि मैं सारा दिन रोती ही रहूं। नहीं, आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग मम्मा हो, पावर लेडी हो। तुमसे तो अब मैं कभी बात नहीं करूंगी हवा के झोंके, क्योंकि मुझे पता चल गया दैट यू डोंट लाइक मी। सृष्टि, हाय, क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो? क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, यू तो डोंट लाइक मी ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अच्छा, भूल गए राखी आंटी के सामने क्या कह रहे थे तुम, मैं पागलपंथी.com, और क्या कहा था तुमने कि मैं इस लड़की को जरा भी पसंद नहीं करता, याद है या भूल गया .com हो गए हो? नहीं नहीं, वो याद है, एक्चुअली मैंने बस ऐसे ही बोल दिया होगा, सॉरी। किसी की बुराई करना कोई पास टाइम नहीं होता मिस्टर शौती। नहीं, वो मैं बुराई नहीं कर रहा था, एक्चुअली मेरा मूड बहुत खराब था, आई वाज लिटिल अपसेट। क्यों थे अपसेट, बताओ जरा मुझे। वो मैं अपसेट इसलिए था कि वो मैं क्या बताओ, सुन रही हूँ। बात ये कि तुमने ना मेरे सपनों में आना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सपने में आओ, क्योंकि क्योंकि क्या क्योंकि... नहीं, एक मिनट, मैं तुम्हारे सपने में आके क्या करती हूँ? तुम्हारे चिकन तंदूरी बना के खा जाती हूँ क्या? मुझे जानना है कि मैं तुम्हारे सपने में आके करती क्या हूँ, बताओ मुझे अभी, क्या अभी बताओ। अब इसे ये कैसे बताऊं कि ये मुझसे शादी कर रही थी, या फिर मुझसे शादी करने की जिद कर रही थी? नहीं नहीं, ये सब मैं इसे कैसे बता दूं? ओए, बोलती बंद .com हो गए हो क्या? नहीं, वो एक्चुअली वो है, मैं तुम हार गए दीदी, मैं जीत गई। चीटिंग किया इसने। नहीं, मैंने नहीं की है, तुम हार गए और मैं जीत गई। ओह माय गॉड, हाई फाइव, हाई फाइव, वेरी गुड, मुझे पता ही था कि तुम जीतोगी, क्योंकि लड़कियां लड़कों से बेटर होती है और तुम तो बेस्ट हो, इसलिए तुम जीत गई। क्यों, लड़कियां क्यों, लड़के भी तो जीत सकते हैं, और वैसे भी लड़के ना जेंटलमैन होते हैं, इसलिए इसने इसको जानबूझकर जीतने दिया होगा, क्योंकि लड़कियां ना लड़कों की बराबरी कर ही नहीं सकती। क्या बकवास कर, बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा लंबू। ज्यादा से ज्यादा लड़कियां गेम इसलिए जीती है क्योंकि हम लड़के उन पर तरस खा के उन्हें जीतने देते हैं। तुम्हें लगता है कि बिना पलक झपकाए आंखों में देखने वाला गेम इजी है? ऑफ कोर्स इट्स इजी, और इसने तो जीतने भी दिया। तो ठीक है,
लेट्स प्ले जस्ट यू एंड मी वन ऑन वन, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं। और हाँ, ये लड़का और लड़की वाली बातें मत लाना बीच में, मंजूर है? मंजूर है, अब तो तुम्हें हराना ही पड़ेगा। एक काम करो बेटा, बहुत सारे टिश्यू पेपर लेके आओ, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि दीदी अब बहुत रोने वाली है। Really? Yeah. Let's see. Go, go, go fast. एक मिनट बेटा, अपने जगह पे वापस चले जाओ। और अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने सपने में क्या देखा, मंजूर है? Done. Fine.